रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम प्रेजेंट्स कोशिश तो मैंने बहुत की कि मैं इस सीक्वेंस में थोड़ा यानी ऊपर पट्टी कर लूँ या बट हुआ क्या टू बी वेरी ऑनेस्ट इज जब कपड़े के ऊपर आप पानी वानी डालें और फिर ब्लड वर्ड बहुत होता है और एक्चुअली क्या हो रहा था द वाटर वाज क्लॉगिंग इन द क्लॉथ एंड वो सब मेरी आंखों में जा रहा था तो आई डिडंट हैव एनी चॉइस बट टू यू नो शट माय आईज एंड गेट अ बीटिंग ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू वर्क विद ही इज आई थिंक टू बिगिन विद ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस ऑन स्क्रीन. He's extremely supportive. Like I said, this has been the toughest film for me in terms of a performance, in terms of the amount of work that I had to put in. And he was extremely supportive, very understanding, very caring. And he's just a sensitive person. And today, if people appreciate my performance, I think he has a huge hand in that. सभी आज एक माध्यम ऐसा है कि हम अपने फैंस से अपने दर्शकों से अपने लिसनर से कनेक्ट कर रहे हैं. मेरे ख्याल से सबसे इनोवेटिव सबसे इंटरेस्टिंग तरीका यही है कि हम या तो हमारी खुद की आवाज़ से हम लोग अगर हमारे लिसनर से रेडियो पे बात कर रहे हैं या फिर यू नो हमारे वीडियो के ज़रिए हम लोग उनसे इंटरेक्ट करके उनके सामने आ रहे हैं. मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया से ज़्यादा इम्पैक्टफुल यू नो ये ज़रूर है. जी हाँ, क्योंकि इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है. For me personally, I always prefer Indian clothes, even for myself, and even personally when I'm just going out for meetings, I always love wearing Indian clothes. In the daytime, you'll always see me wearing salwars and churidars, or even just a kurta and jeans. And for formal events, I love wearing sarees, so you'll see me in a lot of sarees. और रहा आपके सवाल का जवाब, तो अगर कुछ ऐसा उठपटा अगर सवाल आ जाता है तो फिर उसे हैंडल करना शायद आज हम लोगों ने सीख लिया है. या तो हम उसका जवाब दें या तो फिर बस हम एक मुस्कान अपने चेहरे पे रख के हम लोग थैंक यू बोल के आगे बढ़ सकते हैं. जैसे ज़्यादातर ट्विटर पे मुझे गालियाँ पड़ती हैं और मैं तो थैंक यू ही बोलते रहता हूँ. If for Yashraj it was such a big burden, I don't think they would make films. At the end of the day, making a film comes from the heart. It's not about the money. You make a strong film because you're passionate about the films that you make, and we obviously make films for people to come and enjoy the films. And that's what we hope with this.